हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज एक गुड न्यूज़ है, कुछ बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और कुछ बच्चों के लिए थोड़ी निराशा भी है कि DSSB की वैकेंसी आ रही है 2023 में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एज की। बहुत बच्चों के अंदर एज की कन्फ्यूजन है कि सर एज हमारी कम हो रही है तो क्या होगा आगे, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। देखिए, अभी जो DSSB ने कहा है कि वो मैक्सिमम एज 30 ईयर है, ये TGT वालों के लिए है। पहले PRT के लिए थे, अब TGT PGT सभी के लिए एज 30 कर दिया है, सिर्फ 30 साल एज कर दिया है। अब इस 30 साल में घटाने के बाद कुछ बच्चे क्या होता है कि काफ़ी लेट BEd या BTC करते हैं या DL करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आगे क्या अब होगा, मेन जब रिक्वायरमेंट, अभी तो ये सिर्फ रूल है कि जो DSSB का रूल आया है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि 30 साल है एज। अब उसके आगे क्या होना है, जब वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे क्लियर होगा। और इसमें सबसे बड़ा पेच है कि गर्ल्स की एज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अभी कुछ नहीं कहा गया इस रूल में। ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। इसमें क्या है रिक्वायरमेंट रूल 2023 में, TGT इंग्लिश मैथ सोशल साइंस और नेचुरल साइंस वालों के लिए, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर मैथ का या फिर सोशल साइंस का, सभी को ग्रेजुएशन में 3 साल आपको पढ़ाई करनी, 3 साल मतलब आपको पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ हो या सोशल साइंस हो, इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है 3 साल पढ़े होंगे तभी आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, 50% मार्क्स होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, CTET का पेपर सेकंड आप क्वालिफाई होने चाहिए। देखिए क्या होता है CTET में कि 82% होता है, 82 नंबर लाने होते हैं OBC वालों को, तो क्या उनको पास माना जाता है। OBC अदर स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली में फॉर्म भर रहे हैं DSSB का और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, और अगर जनरल में काउंट किया जा रहा है तो फिर आपके जो नंबर्स हैं वो 90 से ऊपर होने चाहिए CTET के अंदर, तभी आप पास माने जाएंगे। अगर किसी और स्टेट के हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे और CTET में नंबर आपका 90 से ऊपर होना चाहिए। और OBC जो दिल्ली के हैं सिर्फ वही भर सकते हैं जिन, अगर 82 है तो उनको पास माना जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ST SC कास्ट के हैं, ST और SC कास्ट वाले हैं, वो दिल्ली में भी ST SC में ही काउंट होंगे, ये सिर्फ OBC वालों के लिए है, जो अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, अब जो TGT नेचुरल साइंस वाले बच्चे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, जियोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, इन सभी सब्जेक्ट्स में किसी एक साल में सिर्फ एक सब्जेक्ट से आपको करना होगा, एक सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा हो, ये एक सब्जेक्ट आपने क्या पढ़ा हो, कम से कम 2 साल, यहाँ पे मैंने लिखा है एटलीस्ट 2 ईयर आपने पढ़ा हो तो आप TGT के लिए एलिजिबल हैं। BEd किया हो आपने, ठीक है ना, या इसके इसके रिलेटेड आपने डिप्लोमा लिया हो, ठीक है ना। TGT सोशल साइंस वालों के लिए क्या है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट से आपने पढ़ा हो कम से कम 2 साल, और लगभग 2 साल आपने क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा DSSB वालों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि 30 साल इतना आप एज कम कर दे रहे हैं, बच्चे का कुछ बच्चे तो काफ़ी देर तक तैयारी करते हैं, को BEd काफ़ी दिनों बाद हो सकता है, 26-27 में वो BEd कंप्लीट करते हैं, तो उन बच्चों का क्या होगा, इन चीज़ों पे DSSB को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी पूरी रखिए, NCERT के बुकों को पढ़िए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का टेंशन, जो बच्चे TGT करना चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट से तो उनके लिए टेंशन कम हो गई है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लफड़ा बहुत ज़्यादा कम हो गया है, टेंशन कम हो गई है। लेकिन जिनकी एज क्राइटेरिया 30 वर्ष कर दिया गया है तीनों के लिए, हो सकता है PRT वालों के लिए भी इतना ही हो जाए आगे चल के, तो ये सबसे बड़ी बच्चों के लिए टेंशन हो गई है कि 30 एज काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, तो आप तैयारी पर अपने लग जाइए, क्योंकि एग्जाम का आप वेट मत करिए, पेपर से आपको कुछ मतलब नहीं है कि कब वैकेंसी आ रही है, आप तैयारी अपने रखिए, तभी जंग में जाएंगे तो आप वहां से जीत के आएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या है कि अपनी तैयारी पूरी रखनी है, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं से नोट्स लेके कर रहे हो, अब तैयारी पूरी रखनी है।